रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फराज हूँ, आप लोग 88 टीवी देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैंने ज़्यादा बातें नहीं आपके साथ करनी, बस आपको ये बताना है कि इमरान खान साहब आए और छा गए। जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी लाइव वीडियो लिंक के साथ पेशी हुई तो सबको यही मालूम था कि उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग होनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे लाइव स्ट्रीमिंग ना की गई और लोग इमरान खान साहब को लाइव ना देख सके। लेकिन कुछ जालों की मदद से तस्वीरें लीक हुई और इमरान खान को लोगों ने देखा। पहले 2 घंटों में इमरान खान साहब की तस्वीर को 2 करोड़ लोगों ने देखा। उसके बाद लोगों ने इमरान खान साहब के सदक़े पे बकरे भी किए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की अलीमा साहबा ने। उन्होंने कहा था कि हम तो हर रोज़ खान साहब को देखते हैं, आज शुक्र है कि आवाम ने भी देखा, अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, ठीक ठाक हैं और बहुत खुश हैं। तो आइए मैं आपको उनकी तस्वीरें भी दिखाता हूं और जो सदक़े दिए हैं लोगों ने उसके भी क्लिप्स हैं मेरे पास, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो अलीमा साहिबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी आपको दिखाता हूँ, चले आए देखते हैं। तो उनको हफ्ते में 2-3 दफा देख लेते हैं, हम खुश हैं कि बाकी सब ने भी देख लिया। और हमें समझाना पड़ता था कि माशाल्लाह उनकी सेहत भी अच्छी है और वो अपनी वर्जिश भी करते हैं, लेकिन लोग इस पे यकीन नहीं रखते थे। अब उन्होंने ये देख लिया है, खुद देख लिया लोगों ने और ये अच्छी बात है, और तस्वीर भी निकल आई। लेकिन जो जजेस हैं उन्होंने एक अच्छी चीज़ ये थी कि उन्होंने कहा कि इमरान खान पेश हो सकते हैं वीडियो लिंक के लिए जरिए, ये खुशाइन बात है। लेकिन उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की जो चैनल था मेरे ख्याल में लाइव स्ट्रीमिंग का, वो बंद करवा दिया। हमारे लॉयर्स ने उठ के कहा कि जी वो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही है इस कोर्ट हियरिंग की, लेकिन उससे पता नहीं अब क्यों घबरा रहे हैं। इमरान खान ये जितना मर्जी रोक लें, एक दिन इनको दिखाने पड़ेंगे। ये तो